यदि आपके आसपास कोई नशा तस्कर, नशेड़ी या अवैध तरीके से शराब पिलाने या बेचने वाले लोग हैं और आम जनता के लिए सरदर्द बन चुके हैं, तो पुलिस की वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं या मोबाइल ऐप पर फोन द्वारा भी शिकायत कर सकते हैं। पुलिस आपकी मदद करेगी। COCT नितिन लोहनी का कहना है कि लोगों को खुद जागरूक होना होगा और पुलिस की मदद के लिए आगे आना होगा ताकि नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, इसमें जो साल्ट एक्साइज की 41 माल है उनका निर्धारण किया जाएगा। पिछले 1-1.5 साल में कमी हुई है। इसमें कच्ची कैटेगरी की भी है और जो थैली वाली होती है, दोनों कैटेगरी की शराब है इसमें। इसमें समय समय पर पुलिस द्वारा दबिश दी जाती है और दबिश के माध्यम से भी काफ़ी सारी रिकवरी करी जाती है। इलेक्शन के नाइट और अन्य टाइम में भी काफ़ी सारी रिकवरी की गई है। इसके अलावा हमारा जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसमें लक्ष्य नशा मुक्ति उत्तराखंड है एक इंटरफेस है जिसमें कोई भी अनोनिमस कंप्लेंट कर सकता है। शराब के अलावा अगर कोई भी NDPS सब्सटेंसेस की भी कोई कंप्लेंट करना चाहता है तो अनोनिमस कंप्लेंट यानी कि उसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी, इस तरह से कंप्लेंट कर सकता है। अन्य माध्यमों से भी कर सकते हैं। मेरा खुद का जो फोन नंबर है, आप CVG नंबर के माध्यम से भी कंप्लेंट कर सकते हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई।